और अब धमतरी से बड़ी खबर, जहां पर तालाब में डूबने से दो बच्चियों की मौत हो गई। गहरे पानी में ये दोनों ही बच्चियां चली गई थी, नहाने के दौरान ये हादसा हुआ है। अर्जुनी थाना क्षेत्र के पीपर छेड़ी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर तालाब में डूबने से दो बच्चियों की मौत हो गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि गहरे पानी में ये दोनों ही बच्चियां चली गई थी और नहाने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। अर्जुनी थाना क्षेत्र के पीपल छेड़ी गांव की ये घटना बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, कैसे ये हादसा हुआ और क्या उस वक्त वहां पर परिजन उनके मौजूद नहीं थे? अर्जुनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पीपल छेड़ी का मामला है, जहाँ गर्मी छुट्टी मनाने अपने बुआ के घर में दोनों बच्ची आई हुई थी और अपने घर के नजदीक तालाब में नहाने गई थी। नहाते नहाते गहरे पानी में जा समाई। बता दो, दोनों बच्ची गंभीर रूप से घायल थी, जिनको जिला हॉस्पिटल लाया गया था, जहां डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया। दोनों बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें, दोनों बच्ची का नाम दीपाली यादव बताया जा रहा है और ओम लता यादव बताया जा रहा है। दोनों बच्ची की उम्र लगभग 12 साल की है। पूरा गाँव में सन्नाटा छाया हुआ है। जी बिल्कुल, गहरे पानी में डूबने की वजह से, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से बच्चियों की जान यहां पर चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।